अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिमरन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एक मैसिव क्रैकडाउन शुरू होने लगा है। एफआईए की टीमें बनाई जा चुकी हैं और बिजली चोरों को अब नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ बिजली चोरी करवाने वालों की भी शामत आएगी। करोड़ों यूनिट्स जो चोरी किए जाते हैं और उसको आम आदमी के बिलों में एडजस्ट किया जाता है ओवर बिलिंग की सूरत में, आवाम की इस पर शिकायत क्या है? क्या इदारे की कारकर्दगी से मुतमईन हैं और आवाम इस पर क्या कहते हैं कि क्या ये क्रैकडाउन होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, उनकी राय सामने रखेंगे आपके आज। आइए मेरे साथ। 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस्को। कि जिसका बेचारे का अपना खर्चा घर का नहीं चलता, उसको ओवर बिल करके उसके साथ ज्यादती करना, ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अंटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। नाज़रीन, जब भी महंगाई की बात की जाती है तो वो अशियाए खुर्नोश से लेकर यूटिलिटी बिल्स के ऊपर भी बात आ जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा भचका जो है वो सर्दियों में तो गैस के बिलों का लगा, लेकिन अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और बिजली के बिलों ने आवाम को परेशान कर देना है। ऑलरेडी आवाम परेशान है, बिल मैनेज नहीं हो रहे, किराए नहीं दिए जा रहे, बच्चों ने स्कूल जाना है, मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। ऐसे में जब बिजली के बिल आते हैं टैक्सों की मद में, जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त होती है टैक्सों की, उसके अलावा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं, जैसे वापडा है और उसके बाद लेस्को, गैपको और इस तरह की दूसरी डिवीजन वाली कंपनीज़ हैं, इनकी तरफ से जब बिल आपको भेजा जाता है तो ओवर बिलिंग की बहुत शिकायत आती है। और ओवर बिलिंग के साथ साथ फिर आपको लाइन लॉसेस के यूनिट्स जो हैं वो भी डाले जाते हैं और उसका भी आपने पे करना होता है। फिर आप बिजली चोरी अगर आपके इलाके में कोई कर रहा है और आपकी ग्रिड से कर रहा है तो उसका खुमियाजा भी उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो बिजली इस्तेमाल करते हैं और फिर बिल भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम जो बोझ है वो आवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। इस पर आवाम क्या कहती है, आपसे बात करेंगे और आवाम को भी सुनवाएंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? क्या नाम है आपका भाई? थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, इधर आराम से बात कीजिए। अरे भाई, मुझे बताएं, आवाम बेचारी महंगाई से बड़ा तंग है, कारोबार है नहीं है, परेशानी हर तरफ नज़र आ रही है बजट वाइज। ऐसे में जब बिजली के बिल आते हैं कितना बड़ा धचका लगता है? धचका तो बहुत बड़ा, आपके सामने आप ये सड़क पे आप देख रहे होंगे कि क्या आलम है, रोड सुनसान पड़े हैं, गाँव कस्टमर है कोई नहीं, और ऊपर से जब ये बिजली के बिल भेजते हैं, आप देखें, मैं आपको अभी अगर दिखाना चाहूँ तो 30 यूनिट मेरे चले होंगे 35, और इन्होंने मेरा 16-17 सौ रुपया बिल भेजा है। और अगर घर का आपको बताऊं तो घर का 130-134 यूनिट है, इन्होंने 8,000 रुपया बिल भेजा है। कोई इनको शर्म है आई कोई नहीं। कभी बिल को आपने स्टडी किया है, उसके अंदर जितने टैक्सेस होते हैं? देखा है, बिल को स्टडी किया है, मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने टैक्सेस डाले हुए हैं ऊपर, जो जिनका हमारे से पता नहीं, ताल्लुक ही कोई नहीं, बेवजह हमारे ऊपर इन्होंने डाले हुए हैं। और जो ओवर बिलिंग की जाती है, जो आपके इलाके में अगर कोई बिजली चोरी कर रहा हो तो वो पैसे भी आपको देने पड़ते हैं, लाइन लॉसेस हो रहे हो तो वो पैसे भी आपको देने पड़ते हैं? बिल्कुल, हमें देने पड़ते हैं। बिजली चोरी इतनी ज़्यादा बिजली चोरी है, महकमे के सारे बंदे इनके साथ मिले हुए हैं, आते हैं अगर कंप्लेन करें तो 4,000-5,000 रुपये ले के वो ये वापस मीटर लगा के। आपने खुद कभी देखा है कहीं बिजली चोरी होती है? मेरी राय है सिंहपुरे का, मैं रहायशी हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है, मेरी गली में से 4 मीटर इन्होंने उतारे हैं, अभी भी वहाँ पर बिजली चोरी हो रही है। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 2 मीटरों के 15,000 रुपए वापडा के हल कार्ड ले गए। किसका कसूर है? ये आवाम का कसूर है, वापडा का कसूर है, सिस्टम का कसूर है? जी, ये मैं तो समझ रही हूँ हुकूमत का कसूर है। देखें, अगर बिजली चोरी तो आवाम कर रही है ना, चोर तो बैठे हमारे बीच में। बिजली चोरी वहाँ खुद ही नहीं करेगी, जब आप हुकूमत हमें फैसिलिटी देगी, सहूलत देगी, अब हमें सस्ती बिजली देगी, इतनी तो आमदनी नहीं है जितने बिजली। भाई, अगर महंगी बिजली मिल रही हो तो चोरी करना शुरू कर दो। चोरी जब मेरे पास आमदनी नहीं होगी, अभी हम ये देखें कितने आदमी खड़े हैं, 1, 2, 3, 4 आदमी खड़े हैं, हमारे पास काम नहीं है, ये किसका कसूर है? हुकूमत की वजह से सख्ती होगी और छापे मारे जाएंगे, बिल मीटर काटे जाएंगे और कोई जीरो टॉलरेंस होगी तो भी तो ठीक हो सकता है ना। इससे भी इससे कोई बात ही नहीं आएगा, जब आमदनी नहीं होगी, आमदनी के ज़राए पैदा करेंगे। इसका मतलब आपके एरिया में जो चोर चोरी कर रहा है बिजली, उसको करने दी जाए क्योंकि उसकी आमदनी नहीं है और उसका बिल आप भरें? हाँ, उसको पकड़ना चाहिए, ये नहीं मैं कहता चोर को नहीं पकड़ना चाहिए, चोर को आप पकड़ें, लेकिन आप देखें चोरी क्यों हो रही है, उस चीज़ को भी तो आप उसको भी रोकना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? जी, चोरी कोई करे भरे हम, और वापडा के सिस्टम वहीं का वहीं। जो चोरी करे, गलत काम करे, उसका एहतसाब होना चाहिए। और लाइन लॉसेस और ये जो बिजली चोरी, इसके अलावा हुकूमत की जो नाअहलियाँ हैं, इसका खुमियाजा जो है ना आवाम भुगतती होती है। मैंने खुद देखा है, मैंने बिल भी रीड करता हूँ, मैंने देखा हुआ है कि सर्दियों में जितने यूनिट्स हम यूज़ करते थे ना, उतना ही बिल आ रहा होता था, लेकिन पहले गर्मियों में 2 से 2.5-3 रुपये फी यूनिट ये कीमत पड़ती थी हमें,
जो कि अब काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ चुके हैं, तो ये आवाम आप तो पर यूनिट 60-70 रुपए और फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अलग आ जाती है, टैक्सेस अलग आ जाते हैं, फिर इलाके में कोई चोरी कर रहा हो, इलाके में आपकी तारें नाकस पड़ी हुई हैं, उसमें यूनिट और बिजली ज़ाया हो रही है, वो भी आपने भरनी है। तो तारें वापदा की लगानी उसने है, ठीक उसने करनी, भर हम रहे हैं। आवाम खुशहाल हो ना तो फिर ये थोड़ा बहुत अगर हो रहा हो तो बंदा कंप्रोमाइज कर लेता है। पहले हालात बड़े ख़राब हैं पर महंगाई इतनी ज़्यादा है, गरीब बंदा तो वैसे ही बड़ा बदहाल हो चुका है। बदहाल हो चुका है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी गर्मियों में जैसे सर्दियों में गैस के झटके लगे हैं बिलों की मद में, ये गर्मियों में आपको लगता है इस दफ़ा पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा बिल आएंगे? बिजली की तरह ही हो, लेकिन ये है कि बिजली का बिल पहले जब उसको हम टच करते हैं तो पहले एक झटका लगता है। ऐसा लगता है बिजली के बिलों का झटका आ रहा है। सही कह रहे हैं, वो चाचू पीछे हंस रहे थे मेरी बातें सुन के, उनसे भी बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम ठीक चल रहा है? अल्लाह ताला की बेसाबो किताब करम नवाजी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए क्योंकि उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला से, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा सिस्टम, मुल्क के हालात, परेशानियां, वो पता क्या है बाजी, अगर आप अल्लाह ताला को छोड़ दोगे ना तो आप ना परेशानियों में ना मुब्तला हो जाओगे, ज़्यादा परेशान। नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, नबी का जिक्र करो, बिल्कुल तुम्हें हर एक चीज़ मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो ईमान है बस। बिल्कुल ये ईमान मजबूत होना चाहिए। अच्छा अंकल मुझे बताएं, बिजली के बिल जब आते हैं तो हम कैलकुलेशंस में पड़ जाते हैं, मैं खुद कैलकुलेट कर रही होती हूँ, अच्छा कितने यूनिट इस्तेमाल हुए, कितना टैक्स पड़ रहा है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कितनी लगी, ये तो लाइन लॉसेस का हमें भरना पड़ता है, या बिजली चोरी अगर कर रहा हो कोई तो उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है, इसमें किसका कसूर है? ये तो एक्चुअली बाजी पता क्या है, ये तो है उन लोगों का कसूर है जो बिजली चोरी करते हैं, क्योंकि ना तो चोरी इसमें कोई करे भरे हम नहीं नहीं ना तो इसमें हुकूमत का इन्वॉल्व है वो, ठीक है, और ना वो है, क्योंकि वो जिसने करना है ना उसने उसका खमियाजा भरा, तो उसने जितने यूनिट चोरी किए हाँ। वो यूनिट डिवाइड होकर पूरे इलाके के पड़ जाते हैं और उनके बिलों में आ जाता है, तो ऐसे में हुकूमत से ये सवाल तो हम कर सकते हैं ना कि क्रैक डाउन करें, सख्ती करें, जो बिजली चोरी कर रहा है उसके ऊपर कानून बनाया जाए कि कोई छूट नहीं होगी, ऐसा ही बाजी, ये तो हुकूमत से कह सकते हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है जी, अच्छा काम कर रही है, क्या बात है, क्या अच्छे काम कर रही है, आपको नहीं पता? नहीं, अब आटा बढ़ गया था, वो आटा सस्ता हो गया, 2200 रुपए का तोड़ा हो गया, 2800-2850 का तोड़ा था वो, अब वो 2200 का हो गया तोड़ा, घी भी सस्ता हुआ थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगा ताने मार रहे हैं, नहीं नहीं वो सब कुछ सस्ता करेगा इंशाल्लाह शबाज शरीफ, सस्ता करेगा वो, आवाम की आवाम को रिलीफ देगा वो, बिजली सस्ती कर नहीं रहे, पेट्रोल महंगा करी जा रहे ने, वो सब कुछ सस्ता करेंगे, जाने उनके आने से पहले भी महंगा हो रहा था, उनके आने के बाद भी दो दफा महंगा हो गया, नहीं नहीं बाजी वो अब सब कुछ सस्ता करेंगे इंशाल्लाह, बहुत पूरी उम्मीद है आप, अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए जी नून लीग के सपोर्टर मिल गए हैं और कह रहे हैं जी हम पक्के पक्के पूरी उम्मीद है, क्या कहना चाह रहे थे आप, मुझे कुछ कह रहे थे? उम्मीद के वाले से मैं बात करना चाह रहा था, ये हकीकत है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन अब जो सूरत हाल नजर आ रही है ना, जा रही है जितनी भारी दुनिया होती जा रही है, वीक कमजोर हो चुकी है, तो मुझे गालिब साहब का वो 5-6 लाइनें याद आ गई, कोई उम्मीद बन नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले तो आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है गालिब, नींद रात भर क्यों नहीं आती, ज़बरदस्ती है नींद रात भर क्यों नहीं आती, इसमें गालिब साहब बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आजकल के हालात में अगर बिजली भी चली जाए तो नींद नहीं आती, ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका भाई, थैंक यू। क्या हाल है आपके? दो मिनट चाहिए आपके, कैसी तबीयत है? ठीक है अंकल, मुझे बताएं बिजली के बिल आते हैं आपको? क्यों नहीं आते हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, झटके लगते हैं फिर जब बिजली के बिल आते हैं? झटके क्या, हार्ट अटैक हो गए दो दफ़ा तो, अल्लाह रहम करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, लेकिन बड़ा तंग किया हुआ है लोगों को, आवाम को बिजली के बिलों ने, टैक्सों ने, मुझे बताएं कभी आपका बिल गलत आया कि ख़राब आ गया और रीडिंग गलत ले ली हो? इस दफ़ा हमने बिल गए थे बापड़ा के दफ्तर, ठीक कराने ज़्यादा आ गया था, अच्छा उन्होंने कहा जी ये बिल गलत आया है, आपका मीटर में कोई फॉल्ट है, बस वो जमा करा दिया, फिर क्या करें? ताउन किया था हमले ने आपके साथ? नहीं, कोई ताउन नहीं, कोई बात सुनी हो आपकी? नहीं, कुछ नहीं सुनते, मुतमईन हुए हो आप उनकी सर्विसेज से? तो इसका मतलब है कि ये जो कंपनीज हैं जो बिजली की तरसील करती हैं किसे काम की नहीं है? काम की तो होंगी लेकिन इस दौर में नहीं है, काम की नहीं है इस दौर में, नहीं है इस दौर, क्या वजह? सुनता नहीं, अल्लाह जाने क्या। अच्छा अंकल, हुकूमत एक डिसीजन ले रही है, FIA जो है उसकी टीमें बनाई जा रही हैं, बिजली चोरी हो रही होगी कहीं पर, कोई ख़राबी होगी, वापदा का अमला अगर मुलव्वस हुआ, लेस्को का अमला मुलव्वस हुआ, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो होना चाहिए, ऐसा सिस्टम, ऐसे सिस्टम की जरूरत होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपको लगता है बिजली चोरी होती है? हाँ जी होती है, होती चोरी है। चोरी कोई करता है उसका बिल आपको आपको हमें आता है। हाँ, हाँ। करे कोई और भुगत हम रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो आवाम का ख्याल करे और जो बिजली चोर है या कहीं भी करप्शन है किसी मैप में भी उसको कंट्रोल करें, उसको कंट्रोल करें, हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू अंकल। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। बिल आते हैं बिजली के? एक ही बात है, एक ही बात है, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, छोटे हैं भाई। अच्छा मुझे एक और छोटी सी बात बता दें, कभी आपने अपने मीटर के साथ बिल को मैच करके रीडिंग की है कि ये वाकई सही आया है नहीं आया? पढ़ते हैं हर दफ़ा? नहीं ये कभी भी नहीं हुआ, हम बिल को देख के बिल अदा कर देते हैं, ये कभी नहीं। चेकिंग नहीं की आपने कभी? क्यों अंकल इतना भरोसा क्यों है ऐसी कंपनीज पे? हो सकता है आपको गलत यूनिट चार्ज करा दिए हो। हाँ ये भी हो सकता है लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमने मेरे ख्याल से हमें भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, चेक रखना चाहिए, है ना? बहुत शुक्रिया अंकल आपका। आवाम से बात कर रहे हैं नाजन, एक तो जितनी भी बिजली की तरसील करने वाली कंपनी है उनके सूरत हाल देख रहे हैं कि क्या वो उससे मुतमिन हैं या नहीं है। फिर जब ओवर बिलिंग की जाती है तो क्या आवाम उसकी शिकायत करती है या इवन नोटिस भी करती है? क्या वादा का अमला उनको सेटिस्फाई कर पाता है उस कंप्लेंट्स के हवाले से? और दूसरा ये कि अब अगर हुकूमत ये इनिशिएटिव लेने लगी है कि बिजली चोरों के खिलाफ मैसिव क्रैकडाउन होगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा तो इसको वो किस नज़र से देख रहे हैं, इस पर हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? इधर आ जाएंगे ज़रा तो अच्छे से बात हो जाएगी। तबीयत ठीक है आपकी? कभी ज़िंदगी में ऐसे हुआ बिजली का बिल गलत आया हो आपको? गलत तो नहीं है लेकिन ज़्यादा आते हैं सर। ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा तो सबको ही आ रहे हैं। सूरत हाल मेरा, ये दुकान मेरी तकरीबन 3 माह से बंद है, कारोबार नहीं था, तो मेरे 3 यूनिट भेजे उन्होंने, तो 1200 का बिल है। 3 यूनिट का बिल पड़ा है आपके पास? बिल पड़ा है आपके पास लेकिन इस टाइम मौजूद नहीं है, मैंने पे कर दिया पिछले माह की बात। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर? 3 यूनिट ही देखे मैंने उसके अंदर, मैंने उसको बच्चे को भी मैंने बताया था, मैं कहा यार ये 3 यूनिट का बिल, दुकान बंद है पूरा महीना। मीटर के साथ मैच किया बिल को आपने? मीटर के साथ तो उस टाइम तो नहीं मैच किया कभी किया वैसे? हाँ अभी अभी रीडिंग लेकर किया है आपने, मीटर की रीडिंग और अपने बिल प्रिंटेड बिल की रीडिंग? रीडर अभी रीडिंग लेकर किया है तो मैंने उसको कहा कि इसकी रीडिंग चेक करिए, तो वो एक तकरीबन काफी फर्क निकला। फर्क निकला जो वो लेके जा रहा था गया वो अभी, तो वो उसको हम ढूंढ रहे थे कि इधर ही कहीं होगा, उसको बुला के पूछते हैं कि यार ये क्या तुमने किया है, हम कुछ पढ़ रहे हैं आप तो कुछ पढ़ रहे हैं, खुद क्यों नहीं चेक करते बिल के ऊपर? तो अब चेक करने लगे हैं, अब चेक करने लगे हैं जब से अब ये मसला बना ना, अब चेक करने लगे। इसका मतलब खराबियां हैं सिस्टम? खराबियां बहुत ज्यादा खराबी है। कहां खराबी है? अमले में खराबी है, नेगलिजेंस काम में है। अमला तो यहां आया, उन्होंने रीडिंग ली चला गया, अब ये पीछे क्या हो रहा है ये इस चीज का लिए मेल। अच्छा आपको ये पता है कि आपके इलाके में कोई बिजली चोरी कर रहा हो तो उसका खुमियाजा भी बाकी आवाम को भुगतना पड़ता है, उनके बिलों में आता है? तो पढ़ी लिखी बात है कि हमें ही भुगतना पड़ना है। मैंने आपको सीधी बात बताई कि 3 यूनिट का बिल 1200 रुपए का है, बहुत ज्यादा है। इसलिए मुझे कहा जी आप जाएं, मैंने कहा यार मैं तो जमा करा दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, बाद में मैं देख लूँ कि यार। लेकिन देखें हमें खुद भी कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, अगर कहीं खराबी है तो आपको शिकायत करनी चाहिए थी। नहीं चाहिए थी ना, लेकिन नहीं कि अब पता लगा। कभी गए हैं वापदा के ऑफिस? अभी तक कभी नहीं गए। अब बिल आएंगे ना, अब जो रीडिंग आज गई है 22 या 23 तारीख को बिल आएंगे, फिर चेक करेंगे कि यार कितना फर्क है, कितना फर्क है, फिर देखेंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। अच्छा मुझे बताएं एक मैसिव क्रैकडाउन शुरू होने लगा है, फेडरल हुकूमत जो है उसने FIA की टीमें बना दी हैं कि जितने बिजली चोर हैं चाहे उसमें वाबदा का अमला मुलव्वस है, अगर SDO तक भी मुलव्वस हुआ तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे, होना चाहिए ये? बिल्कुल होना चाहिए, हम एग्री हैं इस बात से, एग्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, चाहे आवाम हो चाहे SDO चाहे XEL हो चाहे और भी कोई हो, हाँ। जो मुलव्वस है सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए, खुद ब खुद सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा, सिस्टम बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जब भी ठीक होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस्को में, ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अंटे अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? काम ठीक चल रहा है भाई? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए, मैं तो सबको ये कहती हूँ, लेकिन परेशानियाँ तो हैं। हाँ परेशानियाँ तो हैं, महीने के शुरू में या बिल के दिनों वाले शुरू में बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, गैस का बिल बहुत आ रहा है, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, रेट बहुत बढ़ा दिए हैं। अच्छा आपके जब कारोबार का बिल आता है या घर का बिल आता है कमर्शियल या घर का, चेक करते हैं मीटर के साथ मैच करके? नहीं चेक तो नहीं कभी किया, इतना टाइम नहीं होता, इतना भरोसा है वापदा पे कि सही लेके जाते होंगे? नहीं आप देखें ना, हो सकता है कभी कभी रीडिंग गलत भी हो जाती है, मिस प्रिंट भी हो जाता है, तो आपको वो 100 यूनिट का बिल भेज रहे हैं, आपके 98 यूज़ हुए हैं, 2 यूनिट का भी अगर आप एक्स्ट्रा भर रहे हैं तो क्यों भर? बस क्या करें, अब चेक करेंगे नहीं, जितना बिल आ रहा है चेक करना ही पड़ता है, चेक करना चाहिए, मैच करना चाहिए बिल के साथ।
कभी शिकायत हुई है वैसे कि ओवर बिलिंग कर दी या खराब बिल भेज दिया? नहीं ऐसे तो नहीं कभी हुआ। वापडा के ऑफिस कभी चक्कर लगा? नहीं चक्कर नहीं कभी लगाया। नहीं लगा? इसका मतलब आप मुतमईन है वापडा से? नहीं मुतमईन तो नहीं है, जितना बिल बिल ज्यादा आने का तो छोड़ देना, वैसे मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? बस क्या करें, कारकर्दगी ऐसी है, बस गुजारा कर रहे हैं। अच्छा भाई मुझे बताएं, ये जो पुरानी बुसीदा तारे होती हैं उसमें लाइन लॉसेज हो जाता है, आपको पता है, कोई बिजली चोरी कर रहा हो तो उसके यूनिट भी पूरे इलाके के बिल में डाल दिए जाते हैं? ऐसे ही करते हैं जी, बहुत लोग करते हैं बिजली। क्या हल है आपके ख्याल में इसका? उसका हल बस क्या बताएं आपको कि अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह ही हाफिज़ है, आपके पास हल भी नहीं है। अच्छा हुकूमत मैसिव क्रैकडाउन कर रही है, FIA छापे मारेगी अब, और बिजली चोरों को नहीं छोड़ना? ये कुछ भी नहीं करेगी जी, बिजली चोर तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको कैसे पकड़ेगी? ये हमारे लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको पकड़ेगी, बड़े लोगों को पकड़ कैसे चोरी कर लेते हैं वैसे लोग इस मॉडर्न शहर में रहते हुए भी, जहाँ बड़ी फैसिलिटीज हैं, कैसे चोरी कर ले? यहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ चोरी करते हैं, ये बिजली चोरी करने तो बड़ी बात है। आप कह रहे हैं माफियाज हैं? हाँ बहुत बड़े माफिया। पकड़े नहीं जाएंगे? नहीं वो नहीं पकड़े। पकड़ लिया तो? नहीं, फैक्ट्रियों वाले बहुत बड़े, उनके हाथ बड़े लंबे होते हैं। कमर्शियल मीटर्स भी बिजली चोरी होती है, वो नहीं पकड़े जाते, पकड़े जाए तो अंदर खाते वो हल हो जाता मसला उनका। ये गरीब लोगों के लिए है, बहुत सारा गरीब के ऊपर आना है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। ₹83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस को। सोचें कि जिसका बेचारे का अपना खर्चा घर का नहीं चलता, उसको ओवर बिल करके उसके साथ ज्यादती करना, ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अंटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और बिजली की तरसीलाती कंपनी से लेकर उस पूरे सिस्टम के तहत जो आपको बिल आता है, क्या आवाम बिजली के बिलों से मुतमईन है, और कितने क्रैकडाउंस की ज़रूरत है जहां बिजली चोरों को भी पकड़ा जाए, जहां वापडा में मुलाजमीन जो बिजली चोरी कराते हैं उनको भी पकड़ा जाए, और इसके साथ साथ किस तरह से ये सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए कि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। कल वफाकी वज़ीर दाखला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि FIA को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और बाकायदा छापे मारे जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो बिजली चोरी कर रहा हो, जो आवाम पाकिस्तान के एसेट्स के ऊपर चोरी कर रहा हो, डाका डाल रहा हो, और उसके साथ साथ उसका खुमियाजा आम आदमी जो है वो भुगत रहा हो। इस पर आवाम क्या कह रही है हम आपके सामने रखने आए हैं। सर क्या हाल है, इधर आजम भाई थोड़ा सा, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मुझे बताएं कभी ज़िंदगी में आपको इत्तेफाक हुआ है कि आपका बिजली का बिल गलत आया? हर दफ़ा आया है, आज कभी 10,000 की जगह 20,000 डाल लेते। अच्छा फिर हम दोबारा दर बदर फिरते, कभी उधर ही जाते। कैसे पता लगता है कि गलत बिल आया? यूनिट हम इतना यूज ही नहीं करते, एक पंखा चलाए थे 10-15 बल्ब ही चलते, तो उसके हिसाब से हमारा जो रेगुलर बिल आते हैं वो 10-12 हज़ार से फिर एकदम 20,000 तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, फिर आप चेक करते हैं मीटर के साथ रिलेट करते हैं। बड़े लोग हैं जो कहते हैं हम चेक ही नहीं करते, जितना बिल आता है ओके सोके ओके भर देते हैं। गलत करते हैं सही करते हैं? गलत करते हैं, चेक करना चाहिए ना, क्योंकि अपना जो आपने जितना यूज किया उसी का पेमेंट होना चाहिए ना। वापडा के दफ्तर के इसका मतलब आपके चक्कर लगते रहते हैं? लगते रहते हैं। अमले के तावुन से मुतमईन है? वो कर देते हैं, कर देते हैं, सेटिस्फाइड हैं, कोऑपरेट करते हैं वो लोग, कि कभी ये तो नहीं कहते कि हमने नहीं करना, ये चक्कर बार बार लगवा। चलिए ये तो ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि बड़े लोग शिकायत करते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं होती, शिकायत नहीं सुनते। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो बिजली चोरी हो रही होती है इलाके में या लाइन लॉसेज हो रहे होते हैं उसका खुमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है, हमारे बिलों में आता है। अब एक क्रैकडाउन शुरू हो रहा है, टीम्स बनाई जाएंगी, बाकायदा छापे मारे जाएंगे, उन तमाम बिजली चोरों को पकड़ा जाएगा, आपके ख्याल में चाहे वो वापडा के मुलाजमीन है चाहे वो आवाम है, सही, ये सही है गलत? ये सही है, ये उसको करना चाहिए, क्योंकि जो हकदार है उसको वो नाहक बिजली का बिल किसी और का उसके खाते में डाल के वो तो गलत है ना। जो जितना यूज करे उसी का होना चाहिए ना, जो किसी और का डाले। चोरी कोई कर रहा भुगत हम रहे हैं, भुगत वही वही बात। तो ये अच्छा एकदम है, अगर बहुत अच्छा एकदम है, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा बड़ी हुकूमतें इस पे दावा करती हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन फिर बात वहीं रह जाती है, फिर कभी लोग शिकायत करते हैं कि वापडा के अपने मुलाजमीन मिलकर चोरियाँ करवाते हैं,
आपने कभी सुना, कभी देखा कोई आपका अपना एक्सपीरियंस? मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया। आपने कभी नहीं सुना कि बिजली मीटर रिवर्स हो? बता रहे लोग, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं हुआ, वास्ता नहीं हुआ। आप आपदा की और जितनी तरसीलाती कंपनीज हैं जो बिजली फराम करती हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? मैं अपनी तरफ मुतमईन हूं, रोड का मुझे पता नहीं है कोई। ठीक है, जबरदस्त हो गया जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? हाँ जी, बिजली का बिल आया? बहुत आ रहे हैं, मैं तंग आ गई बिलों से, बिल भर भर के तंग तंग आ गई। बिजली का बिल पड़ता है कोई घर में, कि क्या क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? हाँ, बच्ची है, बहू है, पढ़े हैं, पढ़ लेती है। हाँ, मीटर के साथ चेक करती हैं कि वाकई उतने यूनिट इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं, मीटर के साथ इन्होंने कभी नहीं करा। चेक करना चाहिए, आपदा पे इतना भरोसा है कि सही रीडिंग लेके जाते हैं? अब करवाऊंगी, अब करवा दूंगी। अब करवा देंगी, करानी चाहिए ना, चेक होना चाहिए कि हमने वाकई इतने यूनिट इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किए। करवा लूंगी। अच्छा आंटी, मुझे बताएं, आपके इलाके में कोई बिजली चोरी कर रहा हो और उसका बिल आपको भरना पड़े, कैसा लगेगा आपको? बेटे अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा होता है ना, कोई भी बिजली चोरी कर रहा होता है बिल में डाल देते हैं सबके, जो बिल भर रहे होते हैं उनके बिल में। अच्छी बात है, गलत बात? अच्छा बेटे, अब मुझे टाइम नहीं है। चलो चलो ठीक ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, सिटी 42 चैनल है, न्यूज़ नाइट शो है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अच्छा आए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। माँ जी बात करना चाह रही थी लेकिन थोड़ी सी बात करके चली गई। ये मेरे पीछे देखें आप, तारों के गुंजला, पूरे का पूरा खंबा जो है वो बिजली की तारों से और बिजली के मीटरों से भरा पड़ा है। और ये सिर्फ एक खंबा नहीं है, यहाँ पर आप सीधी लाइन में चले जाएँ और लटकती बिजली की तारें जो मौत को दावत दे रही हैं, मीटर खंभों के ऊपर लगे हुए हैं और जहाँ से वो मीटर रीडर रीडिंग लेकर चले जाते हैं। मैं थोड़ा सा ये भी याद कराना चाहूँगी कि वापदा ने ऐसे भी बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम्स बनाए हैं, बहुत दफ़ा ऐसी प्लानिंग की है कि हम वायर्स को अंडरग्राउंड कर देंगे, लाइन लॉसेस कम होंगे, बिजली कम जाएगी, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम होंगे और ये जो मौत को दावत दे रही हैं तारें ये भी कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ओवर द ईयर्स हमने देखा कि शहर में अब बहुत सी ऐसी जगह हैं, मार्केट्स हैं, बहुत सी ऐसी एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल भी, कमर्शियल भी, जहाँ पर इनका कोई सदबाव नहीं हो सका। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जहाँ ये इकदाम किया जा रहा है कि बिजली चोरों को पकड़ा जाएगा, वापदा के करप्ट मुलाजमीन को पकड़ा जाएगा जो बिजली चोरी में मुलव्वस होते हैं, साथ ही साथ वापदा का सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए कि लाइन लॉसेस को कम करने के लिए ये जो मौत की लटकती तारे हैं ना, इनका भी कोई सदबाव करें। ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए कि ये सारे का सारा अंडरग्राउंड हो जाए और इससे भी आप यकीन करें कि बिजली के बिलों में वाज़े तौर पर कमी आएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या हाल है आपके? सर ये कारकर्दगी वापदा की, लश्कों की लटकती तारें, भारी भरकम बिल, टैक्सों की मद में बिजली के यूनिट और कीमत से ज़्यादा टैक्स होते हैं। आप ये देखें, गवर्नमेंट को चाहिए क्या देखने के लिए, जिससे उम्मीद की थी हमने कि ये लोग आएंगे तो कुछ करेंगे, लेकिन ये जिस तरह बिल किए गए गरीब आवाम जाएगा, जिनके 25,000 तक है या 30,000 तक है, वो बिल दे या घर का सर्किट चलाए। हमारे यहाँ से मजदूर बंदे कहाँ जाए? हम सही बात, हाई लेवल पे बंदा दे सकता है कि लो लेवल पे कोई भी नहीं दे सकता, ना मीडियम क्लास के बंदे दे सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, बजट बड़ा आउट हो गया है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, हर चीज इतनी महंगी हो गई है। आप क्या करें फिर? आपकी मैं एक मिसाल दें तो आप लेते 30-35,000 या 40,000 का तखा, तो अलबत्त आप अगर जाए बाजार में या बिजली का बिल देंगे या चीज़ें लेंगे आप? सही कह रहे हैं। इस दफ़ा हमने ईद का सोचा था हम कुछ खरीदेंगे, लेकिन अपने वसाइल की वजह से नहीं ले सके। अच्छा मुझे बताएं, एक तो वैसे ही महंगाई और बिल इतने ज़्यादा, टैक्सेस इतने ज़्यादा, और फिर उसके बाद कोई बिजली चोरी कर रहा हो या इन तारों की वजह से लाइन लॉसेस हो रहे हों या वापदा मुलाजमीन की गफलत की वजह से बिल ज़्यादा आ जाएं, वो सारे का सारा खुमियाजा आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। चोरी कोई कर रहा है, भरने हमने, लाइन लॉसेस किसी तारों की। आप ये देखें कि इसमें वापदा को तो पकड़े बीच में, वापदा का कसूर है आपके बीच में? कभी बिल गलत आया आपको घर में? आप गिलबियान किसका पकड़े? हम वो छुटके चले जाते हैं, फंस से हम लोग जाते हैं, दो उन्हें मीटर काटा। बिल चेक करते हैं आप कि जो बिल के ऊपर यूनिट लिखे हुए हैं वो मीटर के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बहुत फर्क होता है, टैक्स इतने डाले होते हैं हद से ज्यादा, इंसान सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया अंकल, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक बार ठीक है
कि टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि कैलकुलेशंस अलग अलग और खाने अलग अलग बने हुए हैं, हर टैक्स का अलग खाना और अलग चार्जेस हैं उसके। लेकिन लेकिन आप ये देखिए कि इतने टैक्सेस लेने के बावजूद भी कारकर्दगी ये है, कारकर्दगी ये है कि करोड़ों रुपये की मद में बिजली के बिजली की चोरी का जो खुमियाजा है वो आम आदमी को भुगतना पड़ता है। लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन लाइन्स वो सीधा होने की वजह से जो लाइन लॉसेस होते हैं उसका खुमियाजा हम आवाम को भुगतना पड़ता है। सिस्टम तरसलाती कंपनीज का ख़राब, सिस्टम वापडा नहीं बना सका लेकिन नुकसान कौन बर्दाश्त कर रहा है? आवाम कर रही है। ये सारी सूरत हाल है और आवाम की रिजर्वेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस को। आप सोचें कि जिसका बेचारे का अपना खर्चा घर का नहीं चलता, उसको ओवर बिल करके उसके साथ ज्यादती करना, ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अंटे अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मार्केट में भी, रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी हम लोगों से ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि मैं जिससे पूछ रही हूँ कि कभी आपने अपना बिल चेक किया है, वो कहते हैं हाँ जी पढ़ा है। मीटर से चेक किया है कि मीटर रीडर किस तारीख को आपकी रीडिंग लेकर गया है, क्या उस तारीख को रीडिंग बनती थी, आपकी रेगुलर रीडिंग किस डेट पर होती है, और जो रीडिंग लेकर गया है क्या यूनिट जो उस पर शो किए जा रहे हैं वो आपके मीटर के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, कहीं आपको बिल गलत तो नहीं आ रहा, कहीं ज़्यादा बिल तो नहीं चार्ज किया जा रहा, आवाम चेक ही नहीं करती है। मैं इस प्रोग्राम के तहत छोटा सा अवेयरनेस मैसेज ये भी देना चाहूँगी कि खुदारा इतना ट्रस्ट ना करें किसी भी कंपनी पर, किसी भी अदारे के ऊपर। आपको अपनी जो चीज़ें हैं वो खुद चेक एंड बैलेंस उसका ज़रूर रखना चाहिए, देखना चाहिए कि मीटर पर कितने यूनिट शो हो रहे हैं और आपको बिल कितना का कितना चार्ज हुआ है, कौन कौन से टैक्सेज ऐड हुए हैं, किस तरह से ऐड हुए हैं, हो सकता है कोई ख़राबी हो और अगर आप ठीक करा लेते तो आपका बिल कम हो जाता। इसके साथ साथ इलाके में कोई बिजली चोरी हो रही है, लाइन लॉसेज हो रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स ख़राब बोसीदा होने की वजह से, लटकती तारों की वजह से, तो वो भी पूरे का पूरा बोझ जो है वो आवाम बर्दाश्त करती है, तो क्या इस सिस्टम को भी तब्दील होना चाहिए? आइए लोगों से बात करते हैं इस पर, वो क्या कह रहे हैं आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अंकल आपके? शुक्र अल्लाह पाक, ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्लाह का। वापडा वाले आपको बिल भेजते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि कभी बिल चेक किया आपने? बिल क्या चेक करना, अगर चेक करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि बेशुमार टैक्स ठोके हुए हैं इन्होंने, उतनी हमारी रीडिंग के हिसाब से पैसे नहीं बनते जिस तरह ये पैसे बनाकर हमें भेज देते हैं, टैक्सेस लेते हैं जी बहुत ज्यादा। अच्छा, अंकल दुनिया में जब टैक्स और यूनिट भी इन्होंने बहुत महंगा कर दिया, महंगाई तो बहुत ही कर दी बेशक बेटा। दुनिया में कहीं पर जब आपसे टैक्स लिया जाता है ना, कोई पर्टिकुलर इदारा आपसे टैक्स लेता है तो उस हिसाब से फिर आपको फैसिलिटीज भी जी बिल्कुल मिलती है। आपको लग रहा है कि वापडा और उससे मुतसिल जितनी भी तरसीलाती कंपनीज हैं, लेस्को है, इस तरह हर शहर का जो हर डिवीजन का लगे, बिल्कुल तो उस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं उतने? नहीं बेटा, उस तरह की ना सर्विस मिलती है ना हमें, हम मुतमिन हैं इन लोगों से। कभी बिल गलत आया आपको? हमेशा बिल ज्यादा ही आता है बेटा। नहीं गलत आया? आ, गलत भी आया, मीटर पे रीडिंग हो रहा है, बिल पे हो रहा जी बिल्कुल ऐसे भी हुआ बेटा। हुआ है जी बिल्कुल। शिकायत की आपने? शिकायत की है, वो कहते हैं जी अब आपको बिल पे करना पड़ेगा, चाहिए 40,000 का, जहाँ से मर्जी करो किस्तें करवा लो। कभी तावुन नहीं किया? हमने कभी भी नहीं किया। गलती अगर उनकी है तो ठीक करना चाहिए ना, बिल तो ठीक नहीं करते। ये कहते हैं जी आप पैसे किस्तों में दे दें, किस्तें करवा लें, आप मुतमिन नहीं है? हम मुतमिन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अंकल, जो इलाकों में बिजली चोरी हो रही होती है या ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से लाइन लॉसेज होते हैं, उसका बोझ भी हमें बर्दाश्त उसका बोझ भी बेटा हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में कुछ भी नहीं है, ये कहते थे हैं हम इनको काबू पा रहे हैं मगर इनसे कुछ भी नहीं होता बेटा। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने एक इकदाम उठाया है, जी जी, FIA की टीम्स बनेंगी, छापे मारे जाएंगे, खास तौर पर बिजली चोरों के खिलाफ जो करोड़ों की बिजली चोरी करते हैं, उसका भुगतना आवाम को पड़ता है जी बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, हम लोग ही भुगत रहे हैं, हम ही भुगत रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये एकदम अच्छा है, ये क्रैकडाउन होना चाहिए? नहीं होना तो चाहिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, मगर आज तक मैंने 50 साल में ऐसी चीज देखी कोई नहीं। अच्छा, जब 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 मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला थे, आपने देखा उन्होंने पंजाब में अच्छा काम किया?
कहते तो सारे बेहतर किया उन्होंने काम, बहरहाल हमारे समझ के मुताबिक 25% किया काम उन्होंने बेहतर, उससे पहले 0% हो रहा था, 0% पहले 25% को भी फिर अप्रिशिएट कर देना चाहिए। तो जितने वो डिटरमिन्ड है, लग रहा है आपको कि इसके ऊपर अब अमल दरामद जो है वो होगा? अल्लाह करे हो जाए बेटा, वो तो ज्यादा बेहतर बात, ज्यादा बेहतर बात, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। 83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस को, ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अंटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो। नाज़रीन, बिजली तरसील करने वाली कंपनीज इदारे वाबदा की बात कर रहे हैं, और क्या आवाम उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं है, वो चाहे शिकायात की सूरत में हो, बिल आने की सूरत में हो, अमले की कारकर्दगी की सूरत में हो, बिजली चोरी पकड़ने के हवाले से अब तक वाबदा की जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं उस हवाले से हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। रहमान भाई, आपको कभी बिल गलत आया वाबदा की तरफ से? नहीं। कभी नहीं आया? नहीं। कभी वाबदा के ऑफिस का चक्कर लगाओ? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कभी बिल चेक किया? जी नहीं, बिल पढ़ना नहीं, मीटर के साथ बिल को मैच किया? हाँ, वो कई दफ़ा किया। कई दफ़ा किया कि रीडिंग जो लिखी हो वो आती है? वही आती है। मुतमईन है वाबदा की कारकर्दगी से? जी फिलहाल तो मुतमईन है। तो जो बिजली चोरी हो रही है? बिजली चोरी देखें जी, बिजली चोरी तो लाहौर में तकरीबन 35% लोग कर रहे हैं। एक बड़ा नंबर बता रहे हैं आप, 35%। हाँ जी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग कर रहे हैं जो वाबदा के अजीज हैं, वाबदा वालों के मिलने वाले हैं। मतलब वाबदा की मिली भगत के साथ हो रहा है? वैसे कौन करता है? वाबदा के बगैर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, क्यों? वाबदा वाला ही बिजली चोरी करवाता था, बिजली चोरी होती है। आपका अपना कभी एक्सपीरियंस हुआ? कोई फर्स्ट हैंड देखा हुआ? मैंने कई जगह जगह जब छापा पड़ता तो ये लोग आके कहते हैं कि हमारा नाम ना लेना, इस तरह ये वाबदा वाला करवा रहा और कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब वाबदा मुलाजमीन मुलव्वस है? लाजमी बात है, आम तार को ये आप घर के बाहर तार जा रही है आप उसको हाथ नहीं डाल सकते, ये वाबदा वाला ही डाल सकता, आप या मैं नहीं डाल सकता। कुंडे डाले होते हैं या मीटर पीछे हो रहे होते हैं, या मीटरों की स्मार्ट मीटर आ गए हैं तो उसकी कोई और साइंस निकाल रहे हैं? वही बात है, कुंडा भी हर तरीके से नहीं डलता, बताना पड़ता है, करना पड़ता है। हम तो घर में एक बल्ब बदलना होता है इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, तो ये वाबदा के बगैर तो चोरी नहीं। तो आप कह रहे हैं वो मुलव्वस है? लाजमी बात। अच्छा, अब चोरी कोई करता है और वही चार्जेस जब आपके बिल में लग के आते हैं तो आपको कैसा लगता है? वो तो लाजमी बात है, अब क्या करें, अब हम यही है, सबर ही है, सबर कर सकते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, चोरी कोई करता है, भुगतते हैं हमें। वफाकी हुकूमत ने एक प्लान किया है, FIA को इन्वॉल्व कर लिया है और वफाकी वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने एक टीम बना दी है कि मैसिव क्रैकडाउन होगा उन तमाम चोरों के खिलाफ जिसका खुमियाजा आवाम भुगत। मगर दो चार SDO को निकाले ना, हमें पता लगा इसको भी निकाले तो तब तो मजा है, एक्शन नजर आए, बिल्कुल नजर आए, SDO पकड़ा गया जेल के पीछे, TV पे दिखाए, हम मुतमिन होंगे कि हम इसने काम किया, खाली बातों से काम तो नहीं होता, ठीक है, एक्शन होना चाहिए। आपने कभी अपना बिल चेक किया मीटर के साथ मैच किया? तकरीबन तो ठीक ही होता है, चेक किया हुआ जितना? हाँ जी, जितना बिल ठीक आता है, बिल ठीक आता है, मगर ये कि ओवरलोडिंग की जो दूसरी पड़ जाती है, टैक्सीज वगैरह पड़ जाते हैं, ठीक है, ये ज्यादा लाइन लॉसेस पड़ जाते हैं, लाजमी बात है, ये पड़ते हैं हमें लोगों को, ये नुकसान देता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल है चाचू? शुक्र है, तबीयत ठीक है आपकी? अंकल मुझे बताएं, वाबदा जो बिजली के बिल भेजता है, हाँ जी, मुतमईन है उससे? मुतमईन है, और क्यों ना कर, और यही करना केस करना, मुतमईन ही, मुतमईन ही हो, सही सही बिल भेजता है, ये गलत भेजे, छोटे भेजे, जिन्हें भेजा उसने भरने पड़े, भरने पैंदे ने, लेकिन ये तासुर गलत है ना, जब बिजली का बिल गलत भेजेंगे तो ठीक कराना चाहिए, जिन्ना भेजेंगे उन्ना सानू लिखदे ने, उन्ना सानू भरने पैदे, जेड़ा गलत तो भी भरने पैदे ने, बिजली तो बिल्कुल चेक करदा मीटर दे नाल, मैच करदा कि इन्ने यूनिट वाबदा ने पाते ने, है भी ने कि नहीं? कदे कदे भाई से बात करती हूं, भाई 2 मिनट चाहिए आपके, इधर आ जाएंगे। क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है आपकी? काम शाम ठीक चल रहा है? बाजार तो ऐसे सुनसान पड़े हैं जैसे रमजान वाली फीलिंग आ रही है जी बहना, कहा कि नहीं है जी, ऐसे लोग ही नहीं है जी, भाई ऐसे ही है जी, यार कस्टमर यही क्या दुआ करते हैं, महंगाई कोरोना होता है, महंगाई कोरोना होते खरीद कम हो जी बहना, ऐसे ही। अच्छा, आपके जब कमर्शियल मीटर आता है या घर का भी जब मीटर आता होगा, बिल आता होगा, तो आप लोग चेक करते हैं मीटर के साथ? जी बहना चेक करते हैं, लेकिन उसमें यूनिट अपनी मर्जी का डालते हैं, किसी में इतना होता है कि तकरीबन 1-2 यूनिट का 120 के हिसाब से डालते हैं कमर्शियल, और कभी कभार ऐसा होता है 80 रुपये डालते हैं, कभी कभार उसमें मुख्तलिफ 150 डालते हैं। अच्छा, रेट मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं जो यूनिट उसके ऊपर तस्वीर लगी होती है वो मैच करती है? बिल्कुल नहीं करती, ऐसा नहीं होता। कैसे भाई? वो डिफरेंट होते हैं, कई दफ़ा उनसे यही बात हम कंप्लेन की है, लेकिन वो कह रहे थे बस नहीं, मतलब जो आपको तस्वीर भेजी हुई है वो आपके मीटर के साथ मैच नहीं करती? कभी कभार मैचिंग करती, कभी नहीं करती। तो आपने कभी शिकायत की? बिल्कुल की हमने, लेकिन वो नेक्स्ट उन्होंने कहा जी नेक्स्ट इंशाल्लाह सही आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, हो गया हो गया, अब नेक्स्ट की बात, ठीक नहीं किया, नहीं किया क्यों?
बस मुझे क्या कैसे इसका मतलब इदारे की जो कंप्लेंट सेल है उसका जो डेस्क बनाए हुए हैं वो कॉपरेट नहीं बिल्कुल नहीं कर आपको शिकायत है बिल्कुल शिकायत ठीक है जो शिकायत भाई के सामने आ गई है मुझे ये एक और चीज़ पता हाँ जी जो बिजली चोरी कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे उनके खिलाफ क्रैकडाउन देखिए भाई बात होती है उसमें हर बंदे ने अपना हिसाब देना लगो अब ये है कि हम तो कोशिश कर सकते हैं भाई बिजली चोरी कोई कर रहा है उसका हिसाब हम दे रहे हैं क्योंकि हमारे बिलों में बिल्कुल भाई ऐसे ही है अब ये है कि अब ये तो नहीं होता ना इंसाफ तो ये होता है कि इंसाफ पहुँचे चाहे वो गरीब है अमीर है उस तक इंसाफ पहुँचे अब ये है लेकिन हम ये नहीं है ज्यादा नहीं है करे कोई भरे कोई ये जुल्म है हुकूमत को करना चाहिए जो करना चाहिए अब जब अदारे मजबूत होंगे इंसाफ जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है और इंसाफ होगा इंसाफ होगा सब कुछ होगा वो गरीब आदमी पहुँचेगा अमीर पहुँचेगा लेकिन अगर इंसाफ नहीं होगा तो गरीब आदमी पिस जाएगा अब आपका सिस्टम ठीक होना बिल्कुल ठीक होना चाहिए बिल्कुल सही बहुत शुक्रिया भाई आपका आप हमारे साथ मौजूद थे छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ ₹83 करोड़ यूनिट ओवर बिल हुए हैं लेस को सोचें कि जिसका बेचारे का अपना खर्चा घर का नहीं चलता उसको ओवर बिल करके उसके साथ ज्यादती करना ये कैंपेन किसी सूरत नहीं रुकेगी अंटिल अनलेस ये ओवर बिलिंग बंद ना हो वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं कि बिजली चोरों के खिलाफ कितना बड़ा क्रैकडाउन ज़रूरी है और क्या होना चाहिए और किस तरह से हम जो है वो अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं अब आपदा की कारकर्दगी क्या है क्या जो बिल आपको आ रहे हैं आप उनसे मुतमईन हैं या नहीं अस्सलाम वालेकुम जी सर क्या हाल है आपके सर बिजली का बिल आता है मसाले मसूले लगा के आते हैं आप मसाले वाली दुकान पर खड़े हैं बिजली का बिल को भी बाद में बात करते हैं पहले बात करते हैं गैस पे गैस में इतना बिल ज़्यादा हो गया कि जो जिस बंदे का 500-600 रुपये बिल आया आता था ना अब वो 5-6 हज़ार रुपये चला गया बिल्कुल सही कारोबारों के आगे हालात कोई नहीं है महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी मर गए सही कह रहे हैं आगे कारोबार है नहीं है बहुत महंगाई है हमारी जो हुकूमत है उससे कोई कंट्रोल नहीं है अभी बिजली का बिल अब पंखे शुरू हो गए ना चलने अब ये बिजली की अब बिजली का बिल शुरू अब जो पहले जो गैस के झटके लगे हैं बिजली के झटके अब बिजली के झटके लगेंगे और ये ओवर बिलिंग कर रहे हैं दफ्तरों वाले ओवर बिलिंग कर रहे हैं आपको खुद पर्सनली कभी शिकायत हुई ओवर बिलिंग की वैसे ही है बेटा होती है अभी तो क्या कर सकता बंदा हम क्या कर सकते हैं हमारे पास इतनी अथॉरिटी कोई नहीं हम क्या मीटर चेक करते हैं आप अपना हाँ मीटर चेक करते हैं सारा कुछ करते हैं बिल के साथ मैच करते हैं वहाँ मैच भी करते हैं बाद टाइम ठीक भी होता है बाद टाइम ज्यादा भी होता है कभी गए हैं आपदा के ऑफिस ठीक कराने नहीं कभी गए नहीं हो जो होता सबर शुक्र करके दे देते हैं चेक करना चाहिए गलतियाँ ठीक भी हो जाती है हो सकता है ज्यादा चार्ज किया वो बात पहले इतनी शिकायत नहीं है हमारा सही यानी कि यूनिट सही है हमारे देख लेते हैं हमारे सामने वो जो बच्चा आता है ना करता है ना तो उसी के सामने हमने अपने यूनिट मैच कर लेते हैं हमारे कितने यूज हुए हैं पिछले कितने हम कर लेते हैं चलिए ये तो अच्छी बात है करना चाहिए मैं तो कहती हूँ चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए सही बात आप मुझे बताएं बिजली चोरी जो लोग कर रहे हैं उनकी क्या सजा होनी बेटा उनको पकड़ के अंदर करना चाहिए उसका क्या हाल है हमारे मुल्क की बिजली है हमारे मुल्क का सरमाया हमें लेना चाहिए उनसे लेना चाहिए जी क्योंकि उसका खामियाजा हम भुगतते हैं आम आदमी ये काम नहीं कर सकता ये भी ऊपर वाली सतह पे काम है अंकल करते हैं कुंडे डाल लिए मेरी बात है बहुत से तरीके हैं आम आदमी भी बड़ा कर रहे होते हैं कुंडा डाल सकता मेरी बेटी मैं शरीफ आदमी कुंडा नहीं डाल सकता जिसकी पहुँच है ना ऊपर तक वही कुंडा डाल इसका मतलब आप कह रहे हैं इदारे के लोग मुलविस होते हैं चाहे वो सरकारी मुलाजिम है चाहे वो आम आदमी है सारों को पकड़ना चाहिए पकड़ना चाहिए क्यों नहीं पकड़ना चाहिए हर बंदे को अपने उधर उनका हिसाब होना चाहिए हमारी जो हुकूमत कमजोर है वो मजबूत हो इदारे अच्छे हो जाए तो हम आवाम का सिस्टम बेहतर हो जाएगा बहुत शुक्रिया सर आपका थैंक यू सो मच जी तमाम आवाम की शिकायत बिलों से लेकर बिजली आने तक बिल ज़्यादा होने तक टैक्सेस ज़्यादा लेकर फैसिलिटेट ना करने तक कंप्लेंट्स को एंटरटेन या ना एंटरटेन करने तक लोगों की तमाम राय हमने आपके सामने रखी लेकिन बहरहाल आई वुड रियली अप्रिशिएट दिस क्रैकडाउन जो बिजली चोरों के खिलाफ जो अगर वापडा के मुलाजमीन खुद मुलव्वस हैं उनके खिलाफ किया जाएगा तो उससे आप यकीन जानिए कि हम आवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़
हैं।